जी बेटा चलो क्वेश्चन लेते हैं अपना आज का। क्वेश्चन है लेट लेट अ पैराबोला पी बी सच दैट इट्स वर्टेक्स एंड फोकस लाई ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक पैराबोला पी है ओके उसका वर्टेक्स एंड फोकस जो है वो कहां लाई कर रहा है एक्स एक्सिस पर 2 and 4 डिस्टेंस दूर ओके फ्रॉम द ऑरिजिन रेस्पेक्टेडली। इफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम 0, 0, 0, 0 से क्या हो रहा है टेंजेंट ड्रॉ की जा रही है टू द पैराबोला पी विच मीट पी एंड एस एंड आर देन एरिया आपको बताना है एस ओ आर का कितना। ऑप्शंस हैं 16√2 16, 32 एंड 8√2। ठीक है बेटा क्वेश्चन समझ आया आपको। पैराबोला पैराबोला जो है वो कहा गया कि भाई एक्स एक्सिस पर उसके वर्टेक्स एंड फोकस है 2 and 4 डिस्टेंस अवे एक टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ओरिजिन से जो पी और क्यू पॉइंट पर मिलती है। ठीक है ना पैराबोला से पी एंड पी मीट पी है ना पी एट एस एंड आर तो आपको एस ओ आर ट्राइंगल का एरिया बता। सोचें थोड़ा सा फिर आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। जहां तक याद है पहली क्लास में शायद लास्ट क्लास में लगा भी था है ना तो थोड़ा जल्दी ले लेते हैं। देखो पैराबोला है पैराबोला का वर्टेक्स और फोकस वर्टेक्स अपने पास हो गया यहाँ पर फोकस हो गया यहाँ पर ओरिजिन से टेंजेंट ड्रॉ हो रही है ये टेंजेंट ऐसे ड्रॉ होगी इस तरफ ऐसे जाएंगी क्लियर हो गया। पैराबोला की जो इक्वेशन होने वाली है वो x माइनस 2 रखा जाएगा y माइनस 0 रखा जाएगा तो एक तरह से y स्क्वायर इक्वल टू ठीक है नी और a की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 2 a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर अपने पास 2 तो ये जो 4ax टाइप का रखा जाएगा वहां x माइनस 2 हो जाएगा और ये 8x माइनस 2 बन जाएगा किसके इक्वल y स्क्वायर इक्वल टू। ये अपनी इक्वेशन ऑफ पैराबोला की। इस इक्वेशन ऑफ पैराबोला के बाद आप इसमें ना टेंजेंट की इक्वेशन भी बनाने जा रहे हैं तो टेंजेंट क्या होता है टेंजेंट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का है ना तो y इक्वल टू एम एक्स के प्लेस पे x माइनस टू सी की जगह a अपॉन m। अब यहां पर y इक्वल टू एम एक्स माइनस टू और ये a की जगह आप यहां से निकालेंगे 2 4 a इक्वल टू 8 है ना तो 2 अपॉन m ये मेरे पास बन गया ओके। अब ये टेंजेंट ड्रॉ कहां से हो रहा है टेंजेंट का जो कंडीशन है वो है 0, 0 से पास होती है टेंजेंट तो यहाँ पे जैसे ही 0, 0 पास करोगे तो ये बनेगा 0 इक्वल टू एम माइनस 2 2 अपॉन एम इस तरह का हुआ। आप इसे ले जाइएगा इसे ले जाइए माइनस 2 एम इक्वल टू 2 अपॉन एम ये प्लस हो गया तो 2 एम स्क्वायर इक्वल टू 1 ये ऐसे अपना 1 m की वैल्यू प्लस माइनस 1 क्लियर हो रहा है m की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है जी इसका मतलब अब जब मैं यहां से इक्वेशन ऑफ पैराबोला बनाऊंगा ये वाला तो ये क्या बन के आएगी इक्वेशन ऑफ पैरा मतलब टेंजेंट जो बनेगी वो बनेगी एक तो होगी y इक्वल टू x और एक होगी y इक्वल टू माइनस x क्लियर है। ठीक है जी तो अब ये दोनों इक्वेशंस से ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इनसे ये वाले पॉइंट आप लोग निकाल पी क्यू पॉइंट निकाल। ठीक है ये जो इक्वेशंस आई है टेंजेंट की ये पी क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है पैराबोला तो ये जो पॉइंट्स आपके बनने वाले हैं ये पॉइंट्स क्या क्या बनने वाले हैं सॉल्व करके निकल जाएंगे ये होंगे 4, 4 ये हो गया 4 माइनस 4। अब आप ये जो पूरा देख रहे हैं ये अपने पास 4 है ये भी अपने पास 4 है ना तो ये पूरी हाइट तो हो जाएगी 8 तो एरिया क्या होना चाहिए अब इसका मैं यहाँ पर कलर चेंज करके लिख लेता हूं एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट तो 8 इंटू 4 यानी कि 16
तो इस तरह से बी ऑप्शन मेरा आंसर बना। ठीक है, कौन सा ऑप्शन बना? बी ऑप्शन अपना बन गया। ओके ठीक है, नोट कर लीजिए, आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेक्स्ट पे मूव करते हैं, बहुत ही अच्छे वाला क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है वो कह रहा है द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो वेयर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई अ लाइन विच पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल ओके द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला ये हैज वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू यानी कि वाई इंटरसेप्ट आपसे पूछा गया है उस लाइन का जो क्या कर रही है जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और इसके वर्टेक्स से पास होती है ओके सेंटर के सेंटर से पास होके जा रही है और वर्टेक्स से पास हो रही है पैराबोला तो पैराबोला और जो सर्कल की इक्वेशंस हैं सबसे पहले वो हमें फाइंड कर ट्राई कीजिए निकालिए इन्हें ये देखने में थोड़ा सा वो कहते हैं ना खतरनाक है ना देखने में खतरनाक है ऐसा है नहीं वैसे देखो उसने खुद क्या बोल दिया भाई उसने कहा जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई ओके ठीक है ये अपना क्या हुआ रियल पार्ट ये क्या हुआ अपना वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट तो दोनों मुझे समझ में आ गए रियल पार्ट क्या हो गया अपना एक्स इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया वाई अब उसने बोला क्या है ना रियल जेड स्क्वायर देखो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर अब जेड स्क्वायर क्या होगा जेड स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस आई ब्रैकेट में टू एक्स वाई तो ये अपना रियल पार्ट हुआ है ना तो मैं इसको हटा लेता हूँ देखो यहां से इसको हटा लेता हूँ सीधा सीधा लिखते हैं अपना सीधा यूज करते हैं ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला क्लियर है यहाँ पर समझ में आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कहां से लिख लिया मैंने ओके चलो दूसरा उसने कहा ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट इक्वल टू जेड इक्वल टू जीरो तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं ऐसा होगा अब आप इसमें ना प्लस वन बोथ द साइड कर देंगे तो ये एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन स्क्वायर वन का मतलब यहां पर आप रेडियस कह सकते हैं कि रेडियस अपनी बना जाए ठीक है बेटा तो अभी आप ये देखिएगा कि इसका सेंटर क्या हुआ माइनस वन जीरो रेडियस क्या हुआ वन अब आ जाइएगा पैराबोला पर एक्स स्क्वायर माइनस ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है अब ये एक्स स्क्वायर ही कंडीशन होगी ना तो इसका सिमेट्रिक फॉर्म बनने वाला किसके साथ वाई एक्सिस के पैरेलल मतलब एक तरह से एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस के पैरेलल टाइप का तो इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे ले जाते ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स इक्वल टू वाई माइनस थर्टी अब आप यहां देखो इसका हाफ नाइन करके उसके स्क्वायर को ऐड कर तो ये हो गया एक्स माइनस थ्री स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस फोर ठीक है अब ये अपने पास बन गया तो यहां पर वर्टेक्स क्या आ गया इसका वर्टेक्स हो गया थ्री फोर क्या हो गया थ्री और फोर ये वर्टेक्स क्लियर इसे वर्टेक्स को प्रॉपर ये वर्टेक्स अब उसने बोला क्या बोला एक लाइन जो सेंटर और वर्टेक्स से जाए तो अब इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन बना लेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स वी कैन गेट वाई माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड एक्स माइनस एक्स वन ये मैं यूज करूं वाई माइनस वाई वन y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1 ये मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर लेता हूँ तो y minus y1 मैं ले लेता हूँ ये वाला है ना zero equal to y2 हो गया four minus zero upon three plus one and x minus one का मतलब वो मैं कह दूँ तो सीधा plus one ही बोलते हैं ऐसे हो गया ठीक है जी इस तरीके से आके अब आप इसको देखेगा four four cancel हो गया तो y equal to क्या बना x plus one अब अगर इसको मैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी सोच दू मान लू तो इंटरसेप्ट क्या बनना चाहिए
भाई आपका इंटरसेप्ट क्या बनना चाहिए, उसने ये तो कहा वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना आया वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, सी इक्वल टू वन, तो वाई इंटरसेप्ट कितना आ गया अपने पास, वन आंसर आ गया। ठीक है भाई, इसका मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा, वन लिखा जाएगा, ये अपना आंसर बना। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ जी बेटा आ गया, चलो नेक्स्ट को सोचो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है लेट द टेंजेंट टू द पैराबोला, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स एट द पॉइंट, एक पॉइंट पी पर टेंजेंट ड्रॉ करो टू टू पर, मीट द एक्स एक्सिस एट क्यू एंड नॉर्मल एट इट मीट द पैराबोला एट एस। देखो क्यू तो एक पॉइंट है एक्स एक्सिस का और नॉर्मल मीट करिए पैराबोला को एस पर एट द पॉइंट आर। ओके, यानी कि जो आप एस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हो, नॉर्मल एट द मीट, नॉर्मल एट इट मीट द पैराबोला एस एट द पॉइंट आर, देन द एरिया ऑफ स्क्वायर, ये अपने पास स्क्वायर यूनिट में एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है, ट्राइंगल पी क्यू आर का एरिया आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि हिंदी में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है जी, लगाएं ट्राई करें। ये केस याद रखना, इसमें पैराबोला के नॉर्मल की दो कंडीशन होती है, जब एक ही नॉर्मल जो है वो दूसरी जगह पे मिलता है, ठीक है, टी वन टी टू करके कंडीशन। चलो बेटा देखते, देखो उसने क्या बोला कि भाई पैराबोला है, उस पैराबोला के इस पॉइंट पर टेंजेंट, तो पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू टू एक्स है, इसकी टेंजेंट जो पी पॉइंट है टू टू पर क्या होगी, टेंजेंट, टेंजेंट हम लोग निकालेंगे टू इंटू वाई इक्वल टू एक्स प्लस टू। अब आप यहां इसको देखिएगा, ये अपने पास टेंजेंट की इक्वेशन, क्लियर है, अब नॉर्मल निकाल दीजिए तो यहां से स्लोप क्या आएगा, स्लोप एम वन इक्वल टू वन बाई टू, तो यहीं से नॉर्मल का स्लोप हो गया माइनस टू। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, हाँ जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनना चाहिए, भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, क्या होगा y माइनस वाई वन इक्वल टू एम, एम की जगह माइनस टू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दी। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बन के आ रहा है, y माइनस टू इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस फोर, प्लस फोर कह देते हैं, यानी कि टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स, ये मेरी हो गई नॉर्मल। ठीक है, क्या ये बात सही है। अब उसने कहा कि भाई ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पर मिलके क्यू पॉइंट पर, तो जब मैं इसे निकालूंगा इसका क्यू पॉइंट, तो एक्स एक्सिस पे वाई तो जीरो हो गया, वाई हो गया जीरो, एक्स कितना आया माइनस टू, तो अभी तक मेरे को पी पॉइंट और क्यू पॉइंट दो पता है ना, पी क्यू पता है। अब बात आती है आर पॉइंट, अगर मैं नॉर्मल के केस पे चलता हूं, तो एक तरह से जो हमारे पास पॉइंट वेरिएबल पॉइंट होते हैं वो होते हैं टी स्क्वायर बाई टू कोमा टी, ये होता क्या है वैसे, तो ये ए टी स्क्वायर टू ए टी है ना, ए टी स्क्वायर अपॉन टू, मतलब ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी, ऐसे पॉइंट होते हैं ना, तो हमारे पास ए वन बाई टू, ठीक है, ए जो है वो अपना वन बाई टू है, तो ए टी स्क्वायर कोमा टू ए टी, ये अपना वेरिएबल पॉइंट होता है किसी भी पैराबोला, ये वन लगा लीजिए क्योंकि टी वन टी टू दो इस्तेमाल करने है, क्योंकि नॉर्मल दोबारा से मीट कर रहा है कहीं दूसरे पॉइंट पर। अब ये पॉइंट नॉर्मल का था टू टू, जहां पे नॉर्मल ड्रो, इसका मतलब टी की वैल्यू टू कंसीडर कर सकता हूं मैं, यहां से सीधा उठा लिया। ठीक है, अब अगर इक्वेशन नॉर्मल की दी हुई है और नॉर्मल दोबारा पैराबोला के किसी पॉइंट पर मिलता है, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो होती है टी वन टी टू का एक रिलेशन है, T2 इक्वल टू माइनस T1
माइनस टू अपॉन टी वन, ठीक है, ये अपने पास टी वन टी टू का रिलेशन। तो यहां से आप टी वन की वैल्यू टू रखेंगे तो टी टू क्या निकालेंगे, माइनस टू माइनस वन, ये हो गया अपने पास टी टू, हो गया अपने पास थ्री, क्यों जी थ्री हो गया। अब आपको क्या रखना है, आपको ये जो पॉइंट आ रहा है ये आ रहा है आर, कौन सा पूरा पॉइंट आ रहा है आर आएगा, तो आर पॉइंट कैसे निकालोगे, आर पॉइंट निकलेगा ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू, ए टी स्क्वायर वाला ही लगा दिया मैंने, है ना, लेकिन टी टू इस्तेमाल करूंगा, तो ये आर बनेगा अपने पास, देखो ये हो गया नाइन बाई टू कॉमा टू ए की वैल्यू अपने पास क्या बन जाएगी भाई, फोर ए, ए अपने पास वन बाई टू है ना, तो वन ही हो गया, और ये कितना रह जाएगा थ्री, टी टू की वैल्यू क्या रह जाएगी थ्री रह जाएगी, तो पॉइंट क्या बना नाइन बाई टू कॉमा थ्री, क्या बना पॉइंट नाइन बाई टू कॉमा थ्री। अब हमें क्या करना है, हमें तीनों पॉइंट मिल चुके हैं पी क्यू आर, तीनों पॉइंट मिल चुके हैं और एरिया हमें निकाल, ओके क्या निकालना है अब हमको एरिया, तो यहां मेंशन कर लेते हैं साइड में ही ले लो, एरिया इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री वन, ये डिटर्मिनेंट वाला पार्ट जो है इसमें इस्तेमाल हो जाएगा, क्यों बेटा हम ये डिटर्मिनेंट वाला यहां पर इस्तेमाल कर लेंगे और इसी से ही मेरा डिटर्मिनेंट सही वाले पार्ट से ही मेरा एरिया का कंसेप्ट निकला है, ठीक है। एरिया जैसे कि सॉल्यूशन आप देखेंगे जब करेंगे तो ए ऑप्शन अपना आए 25 अपॉन टू, ये अपना तो ए ऑप्शन बने, कौन सा ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन, ठीक है बेटा नोट कर लो देख लो इसको, हाँ जी हो गया बेटा, हो गया बेटा, चलो नेक्स्ट पे चले। इसमें बोला लेट y इक्वल टू mx प्लस c, m पॉजिटिव है, बी आ फोकल कोड ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 64x, यहां पर माइनस 64x एक पैराबोला दिया हुआ है। अब ये जो फोकल कोड है, फोकल कोड होती है जो फोकस से पास होती है, ठीक है बेटा, फोकल कोड कौन सी होती है, फोकस से पास होती है, और उसने कहा विच इज टेंजेंट टू दिस सर्कल, मतलब जो ये टेंजेंट है वो इस सर्कल से पास, ठीक है बेटा। अब टेंजेंट जो है इस सर्कल पे है इसकी वैल्यू आपसे पूछी, फोर रूट टू एम प्लस सी की वैल्यू आपसे पूछी, ठीक है देखें ध्यान से, ध्यान से सोचेंगे, चलो सबसे पहले यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, अपने पास एक इक्वेशन है जो फोकल कोड है, जो फोकल कोड है फोकस से होके जाएगी और फोकस क्या होगा माइनस 16 कोमा जी, ठीक है, क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना एक तरह का, तो अब इसको आप यहां पर पास कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 16m इक्वल टू सी, तो इसको मैं ना फर्स्ट रिलेशन मान लेता हूं, एक कंडीशन मैं बना चुका, दूसरी कंडीशन उसने कहा टेंजेंट है इसके साथ, अब स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म के हिसाब से मैं टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालता हूं, मैं निकालता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, फिर a प्लस माइनस लगा होता है a वन प्लस एम स्क्वायर, ये ना स्लोप फॉर्म में क्या है अपने पास टेंजेंट है, ठीक है भाई, किस फॉर्म में स्लोप फॉर्म। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखूंगा y इक्वल टू एम, ठीक है x के प्लेस पे आएगा x प्लस टेन, क्योंकि मेरा यहाँ पर क्या है x प्लस टेन, प्लस प्लस माइनस a, a मेरे पास है रेडियस, रेडियस हो गई टू वन प्लस एम स्क्वायर, इसको ब्रैकेट ओपन कर देते y इक्वल टू एम एक्स प्लस टेन एम प्लस माइनस टू अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इसके
आप अगर जाएंगे तो ये तो यही लाइन बोली है उसने भाई, ये टेंजेंट ही तो बोला था, फोकल कोड को ही टेंजेंट कहा उसने। तो मैं जब कंपेयर करूंगा ऑन कंपेयर, है ना, कंपेयर करने से सी की वैल्यू क्या मिली, टेन एम प्लस ही ले लेते हैं, वन प्लस एम स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया सी। और सी मेरे पास ऊपर क्या था, ऊपर तो 16m था, तो मैं दोनों को इक्वल रखता, मैं दोनों को इक्वल, 16m इक्वल टू 10m प्लस ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m, आप इन्हें इधर ले आइए, 6m इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, आप 2 से कैंसिल भी कर दीजिए, ये मेरे पास ऐसा बना। अब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर कर दिया भाई ऐसे, अब ये हो गया मेरे पास 9m स्क्वायर इधर आएगा, माइनस m स्क्वायर इक्वल टू 1, m इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 मेरा बन गया, प्लस माइनस लगा दो चाहे, है ना, इस तरीके से m की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 2 रूट 2, m की वैल्यू क्या हो गई 1 अपॉन 2 रूट 2। अब जब m मिल गया तो c भी मिलेगा, c कितना है 16m, तो ये हो गया 16 इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2, ठीक है, तो ये अपने पास बचेगा क्या 4 रूट 2, क्या बचेगा अपने पास 4 रूट 2। जब m और c दोनों आ गए तो उसने वैल्यू किसकी पूछी, उसने कहा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा डिफरेंस आंसर देखने में लगता है 4 रूट 2 और m प्लस c। अब आप रखिएगा 4 रूट 2 ब्रैकेट m की वैल्यू आ गई थी 1 अपॉन 2 रूट 2 प्लस c की वैल्यू है 4, आप अंदर लेके जाइए तो ये 2 प्लस 32 इक्वल टू 34, तो आंसर क्या नजर आ रहा है, आंसर क्या मिल रहा है भाई 34। इसका मतलब हम यहां लिख देते हैं 34, ये मेरा आंसर, कितना आंसर आया भाई 30, m प्लस c और ये 4 रूट इक्वल टू 30, ये मेरा आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से, ओके देख लो एक बार, हो गया बेटा, आगे बढ़ते, इसमें कहा लेट पी बी आर वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई इक्वल टू 4x² + 1, देन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट, लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पी, पी पैराबोला का एक वेरिएबल पॉइंट है, एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट पी, पी से इस लाइन पर एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, तो आपको उसका एक तरह से सोचिएगा लोकस निकाल, क्या निकालना है उसका लोकस निकाल, ठीक है, ध्यान से करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से करने की कोशिश करेंगे जी, चलो देखते हैं ना, लगाते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, पैराबोला की जो फॉर्म है उसके हिसाब से आप लिख सकते हैं y माइनस 1 और नीचे 4 जाएगा और ये x स्क्वायर, तो इसकी कंडीशन कुछ 1 यहाँ पर हो गया तो ये ऐसा होगा, ठीक है। अब उसने कहा p पॉइंट वेरिएबल पॉइंट ऑन द पैराबोला है, p एक मुझे नहीं मालूम कहाँ है तो मैं तो ऐसे ही ले लेता हूँ p को, और ये हो गया कोई x y, कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब एक y इक्वल टू लाइन आपसे बोली गई, y इक्वल टू x, कौन सी लाइन, y इक्वल टू x, इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ डाला कुछ, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है, तो मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ले लेता हूँ पी क्यू ऐसे, और ये मिड पॉइंट है, ये हो गया आर, क्यों बेटा,
आपके पास अब तीन पॉइंट है, एक हो गया पी, एक हो गया क्यू और एक हो गया आर, ठीक है। पी पॉइंट हमारे पास आ गया, अब सोचो ये क्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। सोचो क्यू पॉइंट, उसने बोला भाई क्यू पॉइंट जो है वो कोई भी पॉइंट है इस लाइन पे, तो वो सेम ही होंगे, या तो ए ए ले लो, बी बी ले लो, पी क्यू ले लो, कुछ भी ऐसे ले लो, दोनों इक्वल होंगे, क्या कहते हो? ठीक है भाई। और ये जो ये पॉइंट है आर, आर क्या है? इन दोनों का मिड पॉइंट है, यही तो बोला उसने, तो हम इसको ले लेते हैं पी क्यू ले लो, छोटे वाले ऐसे पी क्यू ले लो। तो अब आप ये मिड पॉइंट के कंसेप्ट से पहले तो मिड पॉइंट के कंसेप्ट पे जाइए। मिड पॉइंट का कंसेप्ट क्या है? ये हो जाएगा पी इक्वल टू एक्स प्लस ए अपॉन टू एंड क्यू इक्वल टू वाई प्लस ए अपॉन टू, ये मेरे पास आ गए मिड पॉइंट के कंसेप्ट, ठीक है। अब दूसरा केस ये समझो कि ये तो भी परपेंडिकुलर है, तो इसकी स्लोप क्या हो गई? एम वन क्या हुआ? एम वन हो गया अपना वन, तो जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इसकी स्लोप क्या होनी चाहिए? इसकी स्लोप होगी देखो ऐसे, ए माइनस वाई है ना अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो यहां से आपका बनेगा a माइनस वाई इक्वल टू ए माइनस एक्स, या कह दो x इक्वल टू एक्स माइनस वाई हो गया ना, तो x माइनस वाई बोल दो इस इक्वेशन को। जो लाइन वाली ये वाली फॉर्म आई, ये हो गई क्या आपकी x माइनस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सही लिया हमने a माइनस एक्स ए माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन, हाँ ये मिस्टेक हो गई, ये माइनस आएगा ये प्लस आएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गए हम जल्दी, इसको कैलकुलेशन में गड़बड़ करके गए। देखो क्या लिखना चाहिए, a माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए प्लस एक्स, तो यहां से a की वैल्यू क्या हो गई x प्लस वाई अपॉन, a की वैल्यू क्या हो गई x प्लस वाई अपॉन टू, ऐसी तो बनेगा, क्यों? देख लो, ठीक है, आ गया यहां पर, दूसरा इससे भी तो बनाएंगे, इससे कैसे बनेगा, a माइनस क्यू अपॉन a माइनस क्यू अपॉन a माइनस पी इक्वल टू माइनस वन होगा, ये भी a माइनस क्यू इक्वल टू माइनस ए माइनस माइनस प्लस a इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, ये भी एक रिलेशन बन गया, a इक्वल टू पी प्लस क्यू अपॉन टू, ऐसे बन जाएगा ना रिलेशन, क्यों भाई? ठीक है, अब चाहो तो a की वैल्यू ये इक्वल रख लो, यहां से एक्स वाई के रिलेशंस बन सकते हैं, क्या बन जाएंगे डायरेक्ट एक्स वाई के, एक्स वाई और पी क्यू के रिलेशंस बन जाएंगे, किस किस के, एक्स वाई एंड पी क्यू। तो क्या आना चाहिए यहां पर, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू ए, और a के प्लस पे ये सीधा सीधा ले लो ना, p प्लस क्यू ही हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब आप यहां पर जो हम अपनी तरफ से मानते हैं उन्हें एलिमिनेट करना है, क्या करना है उनको, एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से माने हैं, पी क्यू माने हैं, तो एक तो पी क्यू की इक्वेशन वहां बन गई, और एक पी क्यू आप ये देख रहे हैं ये रहे, ठीक है जी। तो यहां पर पी की वैल्यू रख दीजिए और क्यू की वैल्यू रख दीजिए,
इससे कुछ बनने वाला है? इससे कुछ बनने वाला है? वेरिएबल पॉइंट हमारा कौन सा है? एक पी क्यू है हमारे पास। हम एक्स वाई की वैल्यू पी क्यू में निकालने जा रहे हैं। एक्स वाई की वैल्यू पी क्यू में निकालने, तो क्या कर सकते हैं? यहां से हो गया y इक्वल टू टू क्यू माइनस एट, और यहां से हो गया x इक्वल टू टू पी माइनस एट, ठीक है। और अगर मैं x माइनस वाई कर देता हूं, x माइनस वाई इन दोनों को ना माइनस कर दीजिए, तो क्या बनेगा? टू पी माइनस टू। एक मेरे पास फॉर्म ये रहा, एक मेरे पास ये रहा। इन दोनों से हम लोग एक्स वाई निकालने जा रहे हैं, तो जब मैं इन्हें ऐड करूंगा तो बनेगा टू एक्स इक्वल टू, ये तो कट गए, थ्री पी माइनस क्यू, तो एक्स हो गया थ्री पी माइनस क्यू अपॉन टू। और जब इन्हें हम लोग ना सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा टू वाई इक्वल टू थ्री क्यू माइनस पी, और वाई इक्वल टू थ्री क्यू माइनस पी अपॉन टू। अब ये जो एक्स वाई आए आपके, ये एक्स वाई जाएगा बेटा पैराबोला, इस पर जाएगा पैराबोला, यानी कि यहां जाएगा, ठीक है। तो मैं कलर चेंज करके इसको लिखने की कोशिश करते हैं, इधर लिख देता हूं। ये हो गया अपने पास वाई, हो गया थ्री क्यू माइनस पी अपॉन टू इक्वल टू फोर, और एक्स हो गया थ्री पी माइनस क्यू अपॉन टू होल स्क्वायर और प्लस वन, इस तरह से मैं रख लूंगा। अब इसको एलसीएम लेकर के मुझे देखना है, तो थ्री वाला कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है? ये अपना टू रह जाएगा, टू इसके साथ है, ये वाला ऑप्शन जिसमें टू आ रहा है, ये देखो यहां से फोर कट जाएगा, लेकिन ये टू क्रॉस प्रोडक्ट वाला आ जाएगा, तो ये इसके साथ जो टू वाला आ रहा है वो ये है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हुआ? अपना ऑप्शन हो गया बी। क्या हो गया अपना ऑप्शन? बी वाला हो गया। थोड़ा कंफ्यूजिंग है क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो सारा फॉर्म आपका वेरिएबल्स में चल रहा था, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है बेटा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन ना वेरिएबल में ही चल रही थी, तो उसमें कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। चलो आगे वाले पे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। इसने बोला इफ The point on the parabola, on the curve y square equal to 6x parabola ये nearest to the point 3,3/2 is alpha beta, then twice of alpha plus beta पूछा, ठीक है। alpha beta एक point है जो nearest है, ठीक है, किसके? 3,3/2। If the point on the curve या parabola y square equal to 6x nearest टू द पॉइंट 3,3/2 इज एल्फा बीटा, देन वैल्यू निकालने ट्वाइस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, ये आपको वैल्यू निकालने के लिए बोला है। वैल्यू ध्यान से रखना, पैराबोला भी सेटिस्फाई करेगा, और एक लगाओ, चलो पहले देखते हैं, सोचो क्या कर सकते हैं इसका। चलो विचार बनाते हैं। तो मेरे पास क्या है, y square equal to 6x है ना, तो इसकी इक्वेशन y square तो कुछ ऐसी बन जाएगी, यहां पर a कितना होगा 6/4 मतलब 3/2। अब उसने कहा कि भाई इसका एक पॉइंट अल्फा बीटा, और उसके नियरेस्ट पॉइंट कौन है? नियरेस्ट पॉइंट है अपना 3,3/2। ये ए पॉइंट ले लीजिए, बी ले लीजिए, तो इसे ज्वाइन करते हुए एक लाइन जाएगी, ये लाइन होगी एक तरह से परपेंडिकुलर टाइप। क्या हो गई ये? परपेंडिकुलर, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होती है या मिनिमम डिस्टेंस कब होती है? जब परपेंडिकुलर डाल दिया जाए। क्या डाल दिया जाए? परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, या तो आप एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चले जाइए, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चले जाइए, या ये आपका एक दूसरा तरीका भी है कि एक तो ये अल्फा बीटा निकालना, मेन फाइट है अल्फा बीटा, तो ये पॉइंट यहाँ पास करोगे,
तो ये हो जाएगा भाई बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6x। एक काम तो मेरा ये, ठीक है। दूसरा, इन दोनों से पास होने वाली इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? इन दोनों से पास होने वाली लाइन निकाल दीजिए जो नॉर्मल कंडीशन हो। या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूं कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू, याद है मेरे को, y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a और x माइनस x, इस टाइप का भी हो सकता है। क्यों? ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर आप x1 y1 वगैरह जो है वो अल्फा बीटा पास कर, अल्फा बीटा पास कर, और a की वैल्यू देखो 2a की वैल्यू 3 हो जाएगी। क्या ये इक्वेशन बन जाएगी? क्यों भाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये इक्वेशन पास किससे हो रही है? ये इक्वेशन नॉर्मल पास हो रही है कहां? 3.3/2। कहां पास हो रही है? 3.3/2। रख दो 3.3/2 रख देते हैं। 3/2 माइनस बीटा अपॉन 3 और अल्फा की वैल्यू हो गई 3 माइनस एफ, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 कैंसिल कर दो, क्रॉस थ्रो कर दो, 3 कर दो अंदर ब्रैकेट ओपन, तो 3/2 माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 3, माइनस 3 3 तो कट जाएंगे और ये हो गया प्लस अल्फा बीटा अपॉन 3। इस तरह से क्लियर हो रहा है, ठीक है। सिंप्लीफाई और कर देते हैं, और सिंप्लीफाई कर दो तो बीटा बीटा तो अपने हट ही गए, 3 2 जा ये क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 3 या 9/2 इक्वल टू अल्फा, ये हो गया, ठीक है जी। और यहां से आप चाहे तो अल्फा इक्वल टू क्या लिखेंगे, बीटा स्क्वायर अपॉन 6 और उसे ले आइए यहाँ, तो क्या बनेगा अपने पास, 9/2 इक्वल टू बीटा स्क्वायर अपॉन 6 इंटू बीटा, ये अपने पास 3, ये अपने पास इधर गया तो बीटा आ गया 3। जब बीटा 3 होगा तो आप चाहे तो यहां से ले लीजिए, अल्फा क्या आएगा 3/2, ठीक है। इस तरह से अल्फा बीटा आ गए मेरे, क्यों भाई अल्फा बीटा आ गए, क्या क्या आ गए, कलर चेंज कर लेते हैं, अल्फा और बीटा क्या क्या आ गए, बीटा हो गया 3 और अल्फा हो गया 3/2। अब इनकी वैल्यू को ट्वाइस करना है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस, तो ये हो गया भाई ट्वाइस ऑफ 9/2 यानी के 9, तो ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आंसर बना भाई अपना, 9 बना, क्या बना अपना 9, तो यहां आंसर अपने पास है 9, क्या है अपने पास आंसर 9, चेक कर लीजिए, देखिएगा एक बार, उसके बाद नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। हो गया भी क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे वाले। इसमें क्या कहा, लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x विद रेस्पेक्ट टू, ये लाइन है आपके पास y इक्वल टू एक्स, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सी एट पी, पी पॉइंट आपके पास है 2 1 इज, तो ये तीन आपको, चार पार्ट आपको दे रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जो उसे सेटिस्फाई, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से फिर से, लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ द पॉइंट ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला, इस पैराबोला में मिरर इमेज है विद रेस्पेक्ट टू इस लाइन के, देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सी एट पॉइंट पी 2.1, ठीक है जी, ध्यान से सोचिए।
चलो बेटा देखते हैं। अब सबसे पहले है लोकस ऑफ ये मिरर इमेज। देखो ये कोई लाइन है अगर, तो इसकी मिरर इमेज ना जब ऐसे बनाई जाती है तो ये अगर ये आपके पास ए बी है तो ये बी ए में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट अगर आप मिरर इमेज लेंगे तो ए बी जो होता है वो बी ए में कन्वर्ट हो जाता है, ये बात आप ध्यान रखें। क्या ए बी किसमें कन्वर्ट होगा? बी ए। क्लियर है बेटा? तो ये चीज आप देख लीजिए। तो मान लो आपके पास कौन है पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल फोर एक्स। अब इस पर अगर मान लो आपने पॉइंट मान लिया एच, ठीक है, पी पॉइंट, तो मिरर इमेज जो होगी वो मैं क्यू ले लेता हूं, वो क्या हो जाएगी? के एच। भाई एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई। क्या यहां तक सही है? क्यों? अब ये पॉइंट क्या है? एच के। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स है, तो इसमें क्या बनेगा? एच स्क्वायर इक्वल टू फोर के, इस तरह से बन जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू फोर के, ठीक है। तो लोकस क्या हुआ? दूसरा क्या बनेगा? के स्क्वायर इक्वल टू फोर एच। मिरर इमेज के लिए लोकस की कंडीशन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, अब क्या करोगे? क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई हो गया ना एक तरह से, ये वाला तो पैराबोला की टाइप की फॉर्म। क्या बन गई? एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, ठीक है। अब टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालोगे? इस किस पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है? टू वन। तो टेंजेंट, टेंजेंट हो गया 2x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ y प्लस वन, भाई यही तो हुआ अपना। टू से टू आपका हटा, x इक्वल टू y प्लस वन, क्या ये टेंजेंट बन जाएगी? क्यों जी? और इसे ऐसे भी तो कह सकता हूं, x माइनस y इक्वल टू वन, ये अपना आंसर बनेगा। कौन सा ऑप्शन है? ए हो गया, तो ए आंसर आ गया अपने पास। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? उसने कहा अलाइन इज अ कॉमन टेंजेंट टू द, एक सर्कल की इक्वेशन है और एक पैराबोला की, दोनों का कॉमन है। एक लाइन जो है वो कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए। If the two points of contact AB and CD are distinct and lie in the first quadrant, then आपसे वैल्यू पूछिए twice of A plus, ये आपसे पूछा, ठीक है भाई। कॉमन टेंजेंट है दोनों की, ध्यान से करिएगा, ठीक है, ट्राई कीजिए। लगाते हैं भाई। चलिए ये अपने पास सर्कल है x माइनस, चलो माइनस लगा के लिख देते, x माइनस थ्री स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू नाइन, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स। इस पैराबोला की जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह a अपॉन m, और यहां से a की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी, तो मेरा हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस वन अपॉन m। इसे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखूं तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो टेंजेंट है ये तो कॉमन है, कॉमन है मतलब ये सर्कल की भी है, तो अगर सर्कल की कोई टेंजेंट होती है तो सेंटर से जो उस पर परपेंडिकुलर रहेगा वो रेडियस के इक्वल होगा, रेडियस होगी थ्री, सेंटर हो गया अपना थ्री जीरो। अब आप थ्री जीरो इस पे रख रहे हैं, थ्री जीरो इस पे रख रहे हैं, तो ये हो गया नाइन एम स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन अपॉन अंडर रूट
एम स्क्वायर का स्क्वायर आएगा प्लस एम स्क्वायर आएगा इक्वल टू थ्री। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया नाइन एम स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू थ्राइस ऑफ एम फोर प्लस एम स्क्वायर और ये हो गया स्क्वायर। क्या ऐसी फॉर्म बनेगी? ठीक है, अब क्या करो, रूट हटाना है, क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। रूट हटाने के लिए स्क्वायर किया, 81 एम की पावर 4 प्लस 1 प्लस 18 एम स्क्वायर इक्वल टू 9 एम पावर 4 प्लस 9 एम स्क्वायर। एक तरफ ले जाते हैं, एक तरफ ले आएंगे तो 72 एम 4 प्लस 9 एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल, ये अपने पास है। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गई, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सॉरी इक्वेशन ऑफ एम। अब यहां से एम की वैल्यू निकाल, तो आप पहले निकालेंगे एम स्क्वायर। ठीक है, एम स्क्वायर आएगा वो अपना फॉर्मूला अपॉन टू ए। तो मैं आपको बता दूं यहां से एम की वैल्यू 1/√3 आएगी प्लस माइनस, क्या आएगी? ठीक है, ठीक है बेटा, 1/√3 आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू आप पास करेंगे कहां पर, यहां कह दीजिए या यहां कह दीजिए, तो आपकी दो इक्वेशन बन जाएगी। क्या बन जाएंगी आपकी? दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब उसके हिसाब से जब पैराबोला का कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है, क्या होता है पैराबोला का कोई कॉन्टेक्ट पॉइंट, इसने तो कहा सी डी है और वो होता है a अपॉन टू एम, क्या होता है a अपॉन टू एम, a अपॉन एम स्क्वायर और 2a अपॉन m, ये अपने पास आएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 और एम स्क्वायर कितना आएगा अपना 1/√3, तो क्या बनेगा अपना 3 कॉमा। अब ये c चाहिए मुझे तो बस, तो c की वैल्यू अपनी क्या हो गई यहां पर 3 हो गई। दूसरा जो इक्वेशन आपने टेंजेंट की बनाई और एक आपके पास क्या है सर्कल, एक तो आपके पास सर्कल है और एक आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना रहे हैं यहां पर एम की वैल्यू या यहां पर एम की वैल्यू, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो वे पॉइंट आएंगे ए बी, क्या आएंगे वो ए बी, जो कि बनने वाले क्या है, जब मैं इनको सॉल्व करूंगा इक्वेशन को सॉल्व करके लाऊंगा तो वहां से दो रूट आएंगे और एक रूट होगा 3/2 जिसे मैं कह देता हूं ए। ए अपने पास क्या आएगा वहां से 3/2, ए अपने पास क्या आएगा वहां से बेटा, कैलकुलेशन लंबी है थोड़ा ध्यान से करिए। अब आपसे जो वैल्यू पूछी है वो पूछा है ट्वाइस ऑफ ए प्लस, अब आप ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी कर दीजिए, ए अपने पास है 3/2, सी अपने पास 3/9, सिंप्लीफाई करोगे तो अपना क्या आएगा भाई 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए इसको, ध्यान से देख लीजिए।